गोरखपुर मंडल में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता बढ़ा दी गई है, जिसके तहत मंडल के चारों जिलों में लगभग 13,000 कोरोना की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है। इसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि पहले माइक्रोबायोलॉजी लैब से टेस्टिंग की जाती थी, अब आरएमआरसी लैब से भी कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए L2 और L3 बेडों की क्षमता बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता यह रहेगी कि डेथ रेट को कम किया जाए और मरीजों को स्वस्थ कर उनके घर भेजा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, टेस्टिंग की क्षमता हमने दुगने से ज़्यादा की है और उसका कारण ये है कि पहले हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी BRD मेडिकल कॉलेज की लैब थी, जिसमें हम हमारे चारों जनपद दे रहे थे, और अब हमारे पास जो है RMRC की भी लैब है। सो दो जिले RMRC लैब से हैं, दो जिले इससे हैं, और इसके कारण अब हमारी क्षमता बढ़ गई है। और मेरा यदि पिछले वीक का हम औसत देखें तो लगभग हम जो है 13,000 के आसपास टेस्ट चारों जनपदों में डेली कर रहे हैं और इसको हम और बढ़ाएंगे। क्या स्थिति है सर मंडल में कोविड की स्थिति? जैसा कि आपको पता है कि हमारे पॉजिटिव केसेस अभी भी एक्टिव काफ़ी हैं, और लेकिन प्रयास हमारा ये है कि हम डेथ रेट को पहले कम करें, और डेथ रेट हमारा जो एवरेज UP का डेथ रेट है उससे कम है। L3 फैसिलिटी और L2 फैसिलिटी पर जोर है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट करके स्वास्थ्य उनका ठीक करके उनको हम उनके घर वापस भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि जो L3 फैसिलिटी का विस्तारीकरण हो रहा है उससे इस मुकाम को पाने में और सहायता होगी।